नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रिवम में गायों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे गौ सेवा और समाज सेवी संगठन ने कल रात बड़ी गौ हत्या होने से बचा लिया। गौ सेवा संगठन के लोगों ने एक घर के भीतर गौ हत्या करने की सूचना के बाद पुलिस के साथ संबंधित ठिकाने में दबिश दी, जहां काफी संख्या में घर के अंदर मवेशी बधे मिले। रात तकरीबन 12 बजे पुलिस के पहुंचते ही गौ हत्या करने वाले मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उस घर को सील कर दिया जहां गाय और बैल बधे मिले थे। गौ सेवा संगठन के लोगों का आरोप है कि घर के भीतर बधे मिले मवेशियों को काटने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया है। दरअसल मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र घोघर स्थित पचमठा का है। गौ सेवा संगठन की ओर से रूपा द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की रात उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि पचमठा के समीप एक घर के भीतर आधा दर्जन की संख्या में मवेशी बधे मिले हैं और उन्हें काटने की तैयारी चल रही है। उक्त सूचना के मिलते ही गौ सेवा संगठन सदस्य सिटी कोतवाली पुलिस को मामले से अवगत कराते हुए पुलिस के साथ ही संबंधित ठिकाने पर पहुंचे, जहां एक घर के भीतर 6 बैल, 1 गाय और 1 गाय का बछड़ा बधा मिला। गौ सेवा संगठन के लोगों का आरोप था कि घर के अंदर मिले मवेशियों को काटने के इरादे से लाया गया था। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के दौरान मवेशियों को बांधने वाले लोग मौके से गायब मिले थे, जिसके बाद घर में पुलिस ने ताला लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया, जिसके बाद आज सुबह एक बार फिर गौ सेवा संगठन व बजरंग दल के लोग सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके घर में सभी लोग भाग चुके हैं, कोई भी आदमी नहीं है। ये इतने सारे बैलों को खिलाने के लिए इतना सा भूसा लेके आए हैं। हाँ, अच्छा तुम्हारा खत्म कहाँ रखती हो भूसा, ये भी तो दिखा दो ना। खत्म हुआ तो यही भूसा भूसौला बनाए हैं और यहीं पे ये 6 बैल पाले हैं। हमारे गांव में 100-100 एकड़ के जमींदार नहीं पाल पाए बैल, और ये यहाँ पे इतनी सी बस्ती में यहाँ पे बैल आ पाले हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा यही वाला वो बैल था ना, यही वाला वो बैल था।